हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है, अब सरकार ने 20 नए खेलों को केंद्र की सरकारी नौकरी की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी सरकारी नौकरी के ग्रुप सी में सीधी भर्ती के लिए खेल के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा दिया है। पहले केंद्र की इस लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग जैसे 43 खेल शामिल थे, अब इसमें 20 नए खेलों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में इन 63 खेल के प्लेयर्स को फायदा मिलेगा, लेकिन ये फायदा उन्हीं खिलाड़ियों को मिलेगा जो स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हों। सरकारी नौकरी पाने की लिस्ट में अब बेसबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, रस्साकशी, मलखम्ब, पैरा स्पोर्ट्स, डीप स्पोर्ट्स समेत 20 खेलों को शामिल किया है। मौजूदा निर्देशकों के अनुसार खिलाड़ियों ने इन 63 खेलों की सूची में से किसी में भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है, वे ग्रुप सी स्तर के पदों के लिए नियुक्ति के पात्र हैं। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, वे भी इस तरह के पदों पर नियुक्ति के पात्र हैं। सरकार की इस लिस्ट में पहले से शामिल 43 खेल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बिलियर्ड, स्नूकर, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, शतरंज, साइकिलिंग, घुड़सवारी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, बॉडी बिल्डिंग, हैंडबॉल, आइस स्कीइंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और जूडो, कबड्डी, कराटे, क्वारिंग, कैनोइंग, खो खो, पोलो, पावर लिफ्टिंग, राइफल शूटिंग, रोलर स्केटिंग, रोइंग, आत्या पात्या, शॉफ्ट बॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेमिकोइट्स, टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग और याचिंग थे। अब इस लिस्ट में बेसबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, डेफ स्पोर्ट्स, रस्साकशी, मलखम, पैरा स्पोर्ट्स जिसमें पैरालंपिक और पैरा एशियन खेल शामिल हैं, मोटर स्पोर्ट्स, नेटबॉल, पावर लिफ्टिंग जैसे 20 खेल भी शामिल कर लिए गए हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।